प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं MAPS 109 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान इकाई 8 सामूहिक सुरक्षा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी। इसके आगे हम देखते हैं सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर एक, सामूहिक सुरक्षा के अर्थ को समझना। नंबर दो, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा। नंबर तीन, सामूहिक सुरक्षा के सैद्धांतिक पक्ष, सामूहिक सुरक्षा के व्यवहारिक पक्ष। इसके आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं विश्व राजनीति में केंद्रीय बल के अभाव में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को जन्म देता है। इस प्रकार की समस्या का निदान विश्व सरकार के द्वारा ही संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विश्व के देशों में कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, कोई देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि वो अपने नियम शर्तें रूल रेगुलेशन अन्य लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे और अपनी बातें मनवाने की प्रयास करेंगे, तानाशाही रवैया अपनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए केंद्रीय जो बल है उसको जो है अराजकता को समाप्त करने के लिए केंद्रीय शक्ति का जो है प्रसारण मिश्रण किया जाए। इसके बाद विश्व सरकार केंद्रीय सत्ता के रूप में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करके राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक विश्व सरकार की स्थापना का जो है लक्ष्य रखा गया है सामूहिक सुरक्षा में, कि विश्व सरकार जो होगी तो अराजकता को नियंत्रित करेगी और जो है कानून नियमों को जो है लागू करने का प्रयास करेगी, ताकि कोई भी राष्ट्र अराजक स्थिति को न प्राप्त करे या अराजकता की स्थिति उत्पन्न न करे। तो इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या का समाधान करने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो यह सामूहिक सुरक्षा एक जो है अराजकता की स्थिति को समाप्त करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके आगे हम देखते हैं सामूहिक सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है आक्रमण का निवारण करने वाली सर्वाधिक प्रभावी सामूहिक शक्ति। इसमें आक्रमणकारी को उन राज्यों संयोजन का शक्ति का सामना करना होता है जो आक्रमण को रोकने व विफल करने की शक्ति की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सुरक्षा की प्राप्ति के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली सहयोगी नीति को सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति आक्रमणकारी है तो उस आक्रमणकारी को जो रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं और सब मिल करके जो अन्य शक्तियां हैं जो मिल करके उस आक्रमण को रोकने का जो प्रयास करते हैं और सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर के राष्ट्र की सुरक्षा दिलाने का जो है प्रयास करते हैं, तो ये है सामूहिक सुरक्षा, इसको सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। अब सामूहिक सुरक्षा किस प्रकार से इसको जो है उपयोग में लाई जाती है, किस प्रकार से हम जो है सामूहिक सुरक्षा को हम जो है प्रतिपादन कर सकते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा को जो है लाने के लिए, सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो शत्रु राष्ट्र है उसके विरुद्ध एक लॉबिंग करनी होगी, मतलब कि उसके विरुद्ध सबको एकजुट होना होगा। तो एकजुट तो हो सकते हैं, लेकिन एक कानून नियम संगठन के दायरे में जब एकजुट होते हैं तो उसका जो है बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है और जो है दूरगामी परिणाम निकलता है और वो जो है प्रभावकारी होता है। इसके बाद हम देखते हैं
जॉर्ज स्वार्बर्गर ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र कहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो हम आक्रमणकारी को के आक्रमण को रोकने के लिए जो हम सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं उस यंत्र को हम जो क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसके बाद जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो महान विद्वान हैं मार्गेंथाउ जी का क्या कहना है, इसमें हम देखते हैं। मार्गेंथाउ महोदय का कहना है, सामूहिक सुरक्षा की सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र का समुत्थान नहीं, एक सब के लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। तो मार्गेंथाउ जी का ये कहना है कि सामूहिक सुरक्षा जो एक समस्या है तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो सभी की समस्या है, सार्वजनिक है, हम सब लोगों की समस्या है। तो इस समस्या को सुलझाने का, इस समस्या से निजात पाने का हमको प्रयास करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से हम इसका प्रयास कर सकते हैं। और सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र क्या है, सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक सबके लिए का मतलब जो एक राष्ट्र होगा, तो जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में तो बहुत से राष्ट्र हैं, लेकिन जो यूनो के संगठन में जो शामिल हैं सदस्य देश, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इस समय 193 लगभग सदस्य देश हैं। तो जो सदस्य देश हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और सदस्य देश में किसी भी अगर सदस्य राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो सभी लोग को एकजुट होकर के उस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो क्या है कि सब जो हैं, जितने राष्ट्र होंगे सदस्य होंगे, तो सब किसी एक के लिए मतलब सब एकजुट हो जाएंगे। और एक सब के लिए इसका तात्पर्य है कि कोई एक राष्ट्र है, तो अगर हमारे जो यूनो का संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य हैं जो, तो सदस्य देश में से जितने भी सदस्य देश हैं, कोई भेदभाव किए बिना उनमें से प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक राष्ट्र की जो है उसी तरह समर्पण भाव होना चाहिए जिस प्रकार से सबका एक के प्रति होता है। तो एक राष्ट्र का भी समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जितने हमारे मेंबर्स गण है जो है, वैचारिक मतलब मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं हो सकता है। इसका आशय ये है कि हम, कोई भी राष्ट्र ऐसा हो सकता है जो हमारा बहुत सच्चा मित्र है, बहुत प्रिय राष्ट्र है, कोई राष्ट्र ऐसा हो सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता नहीं है, लेकिन जो सामूहिक सुरक्षा का रूल रेगुलेशन है तो वो क्या है, सब पर एक समान लागू होगा, चाहे बहुत घनिष्ठ राष्ट्र हो चाहे अथवा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो इसके आगे हम देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा की अपेक्षाएं। अब सामूहिक सुरक्षा की कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय हित और विश्व हित में तदात्मीकरण। तो सामूहिक सुरक्षा तो हमने जो है एक अवधारणा हमने विकसित कर लिया है, लेकिन इसका जो है इसकी कुछ अपेक्षाएं हैं जिसको कि हम इसको सफल बनाने के लिए हम कुछ अपेक्षाएं, कुछ मान्यताएं रखते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय हित और जो अंतर्राष्ट्रीय हित है उसमें तादात्मीकरण करना, उसमें समन्वय स्थापित करना, मतलब उसमें कंट्राडक्शन नहीं होना चाहिए कि अपना राष्ट्रीय हित अलग है और अंतर्राष्ट्रीय जगत का हित अलग है। अगर कंट्राडक्शन होगा तो कभी भी सामूहिक सुरक्षा सफल नहीं हो सकती है। तो हमको सामंजस्य बिठाना होगा, मतलब कि जैसे कि जेएस मिल ने कहा है कि हम उतनी ही स्वतंत्रता का उपभोग करें कि जितना कि अन्य लोग से हम अपेक्षा रखें, और
उतना ही हम हस्तक्षेप करें किसी के स्वतंत्रता में जितना कि हम अन्य लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उतना ही हमको अन्य लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब कहने का कि जिस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे हमारी स्वतंत्रता है, उसी तरह स्वतंत्रता सबकी एक जैसी है और हमारी स्वतंत्रता अन्य के स्वतंत्रता में भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर हम भेदभाव करते हैं कि अन्य व्यक्ति स्वतंत्र ना हो और हम ही स्वतंत्र रहें, हम सारी स्वतंत्रता का उपभोग करें, तो ये क्या होगा? भेदभाव होगा। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय हित है, अंतर्राष्ट्रीय हित है, कोई भी राष्ट्र ये समझे कि हमारा हित सर्वोपरि है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सभी सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी सदस्य, विश्व जगत के सभी राष्ट्र, उनका जो है हित मतलब कि हित निम्न स्तर का है, उनके हित गौड़ हैं और हम उनको हित की उनके हित की हम अवहेलना करें, तो ये जो है सरासर क्या है, ये सामूहिक सुरक्षा को जो है सफल कभी भी नहीं बना सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय हितों में हमको सामंजस्य स्थापित करना होगा। जिस प्रकार से हम अपने हितों की पूर्ति करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार हमको समझना चाहिए कि अन्य राष्ट्रों के हित भी हैं और अन्य राष्ट्र भी अपने अपने हितों की पूर्ति चाहते हैं, तो हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के चक्कर में अन्य राष्ट्रों की हितों की जो है अवहेलना ना करें, उनका कहीं अहित ना करें। तो इस वजह से जब हम सामंजस्य स्थापित करेंगे अपने राष्ट्रीय हितों में और विश्व जगत के अन्य राष्ट्रीय हितों में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हितों में, सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय जगत में और जो है अपने राष्ट्रीय हितों में सामंजस्य बैठाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर दो, आक्रमणकारी की पहचान पर सहमति। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आक्रमणकारी की पहचान पर सहमति। सहमत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य देश हैं, उनको सभी को सहमति जताना होगा। अगर किसी राष्ट्र ने, जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे भारत पर जो है कई बार अटैक किया, चाइना ने अटैक किया हमारे भारत पर, तो इस प्रकार से जैसे अटैक किया गया है, तो विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं तो उनकी सहमति जरूरी है। जैसे कि न्यायालय में कोई भी अगर मैटर जाता है तो न्यायालय क्या देखता है, न्यायालय तथ्य देखता है। बात तो ठीक है, कोई अपराधी हो सकता है, कोई अपराधी नहीं हो सकता है, एलिगेंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सबूतों के आधार पर निर्णय देता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सबूतों के आधार पर, उसको दिखाना होगा कि ये आधार हैं, तो आधार इसके आधार पर क्या होंगे, संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है तो वो आदेशित भी कर सकता है और आदेशित तभी करेगा जब संगठन के सदस्य सहमत हों। तो इसको जो है कार्यवाही करने के लिए, सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए, इसको जो है अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो संगठन के सभी देशों को सहमत होना आवश्यक है। नंबर तीन पर आ जाते हैं, आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही की निश्चितता। अब नंबर तीन में है, आक्रमणकारी के विरुद्ध जो है कार्यवाही की निश्चितता भी होनी चाहिए। और अगर निश्चितता है, अगर हमने मैटर को अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमने उठाया है, तो उसके विरुद्ध, आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्यवाही होने की जो है गारंटी भी होनी चाहिए। अगर गारंटी नहीं है, कोई अगर भेदभाव किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा, तो फिर क्या होगा, सामूहिक सुरक्षा सफल नहीं मानी जाएगी, असफल हो जाएगी वहीं पर। तो इसी प्रकार जैसे कि हमारा एक अभी कश्मीर का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है निर्णय के लिए अधीन है, अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो ये सब मुद्दे क्या हैं, मुद्दे ये जो है सामूहिक सुरक्षा को जो है बहुत अच्छी तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो है सफल बनाने में ये बाधाएं बनते हैं।
तो इस प्रकार से हमको ये विश्वास भी होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारे ऊपर क्या करेगा, हमारे ऊपर जो है निर्णय देगा, सही निर्णय देगा, और तब जा कर के हमको विश्वास बनेगा और हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने मुद्दों को ले जाएंगे। तो इस प्रकार से, और हम आगे अभी बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दे जो है ले गए और जो है इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कार्यवाही करके उसको सुलझाने का भी प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति का पर्याप्त विसरण। तो सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए शक्ति का पर्याप्त विसरण भी जरूरी है, क्योंकि अगर शक्ति एक किसी विश्व जगत में एक राष्ट्र के पास होगी तो क्या हो जाएगा, अराजक हो जाएगा और वह अन्य लोगों पर शोषण करने लगेगा, जुल्म करने लगेगा, अपनी बात मनवाने लगेगा, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने लगेंगे अन्य राष्ट्रों को। इसलिए शक्ति का पर्याप्त विसरण होना जरूरी, विसरण का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, पर्याप्त वितरण होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र, ये हम नहीं कहते हैं कि जो है प्रत्येक राष्ट्र एक जैसे ही शक्तिशाली सब हो जाएंगे, ये नहीं है। इसका मतलब कोई राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है, कोई कम शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और कोई राष्ट्र एकदम निर्बल हो जाए, तो उसको भी थोड़ा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। तो जब शक्ति का समान वितरण होगा और समान रूप से, लगभग समान रूप से सभी राष्ट्र जो है शक्तिशाली होंगे, और तभी जाकर के हम सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगला आते हैं सदस्यता की पर्याप्त सार्वभौमिकता। अब सदस्यता की पर्याप्त सार्वभौमिकता क्या है? जितने भी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों को जो है पर्याप्त रूप से जो है उनकी सदस्यता की जो वैलिडिटी और जो है उसका वैलिडिटी उनकी जो है पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्याप्त रूप से उनकी सबको समान भागीदारी, सबको समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा, तभी देश माना जाएगा कि सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में सब देश जो है सफल हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं छठवें नंबर पर, आंशिक निशस्त्रीकरण। तो आंशिक निशस्त्रीकरण क्या है? तो आंशिक निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है निशस्त्र, शस्त्र के बिना कोई भी शस्त्र ना हो। लेकिन आंशिक निशस्त्रीकरण का मतलब है कि आंशिक निशस्त्रीकरण में शस्त्र रहेंगे, कम रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ना आवश्यकता से अधिक, ना आवश्यकता से कम, मतलब कि शस्त्र जो है आंशिक रूप से उनके पास रहेंगे। तो जब प्रत्येक राष्ट्र के पास शस्त्र क्यों जरूरी है? शस्त्र जिसके पास है, इसका मतलब वो नहीं कि सिर्फ आक्रमण ही करना चाहता है, शस्त्र अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हमारा देश परमाणु क्षमताओं का विकास कर रहा है और जो है इस प्रकार से टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि अपने जो है परमाणु क्षमता का विकास करे और जो है शक्तिशाली राष्ट्र बने। आवश्यकता से अधिक नहीं कर रहा है, जितना आवश्यक है अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, उतना ही अपने जो है क्षमता का विकास कर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं राज्यों की आर्थिक सुभेद्यता। राज्यों की आर्थिक सुभेद्यता क्या है? राज्यों की आर्थिक सुभेद्यता मतलब कि राज्य जो है आर्थिक रूप से जो है सक्षम होने चाहिए, क्योंकि कोई भी देश में अगर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी है तो सुरक्षा कहाँ से आएगी? सुरक्षा सबसे पहले तो प्राथमिक नीड होती है व्यक्ति की, जो है रोटी, कपड़ा, मकान की। तो जब सड़क, पानी, बिजली, आधारभूत ढांचा, ये सब चीज़ का जो है विकास होगा, तब जाके जो है हम सुरक्षा की तरफ से हम जो है बढ़ सकते हैं, सुरक्षा की ओर हम बढ़ सकते हैं, अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हमको जो आर्थिक रूप से संपन्न होने की ज़रूरत है, इसीलिए हमारे देश में जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमारा देश जो है बहुत आगे जा रहा है, सक्षम हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। इसके बाद सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन। तो दोनों शक्ति को नियंत्रित करने की युक्तियां हैं।
तो सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन, इसमें सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन, मैंने जो पिछले चैप्टर में मैंने शक्ति संतुलन का जिक्र किया था, तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा ये लोगों के शक्ति को जो है कम करने का और जो है नियंत्रित करने का जो है एक सफल प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जिक्र मैंने जो कि इस लेक्चर में कई बार किया है, तो सामूहिक सुरक्षा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इसका जो है सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामूहिक सुरक्षा एक संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो है अंग है इसका। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी युद्ध या धमकी उससे संघ को कोई व्यक्ति प्रभावित होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता का विषय होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा में इस चीज को डाला गया है, इस बात को जो है लागू किया गया है कि सदस्य देश के ऊपर कोई यदि आक्रमण कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या होगा, चिंता के विषय होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस बारे में चिंतित होगा क्योंकि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया है, विश्व जगत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अगला तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत जनधन की हानि होगी। तो इसलिए इसको युद्ध ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, तो इस वजह से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। अगर जब लीग ऑफ नेशंस हमने स्थापना इसकी जब किया 1920 में, तो लीग ऑफ नेशंस में बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान नहीं थे और उन्हीं प्रावधानों का जो है हवाला दे करके उन्हीं वो रूल रेगुलेशन बहुत टफ नहीं थे, तो इसी वजह से मौका मिल गया राष्ट्रों को युद्ध करने का। और जब हमने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया 1945 में, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के बाद हमने उसमें इतने कड़े प्रावधान कर दिया कि जो ये आक्रमणकारी होगा राष्ट्र तो उससे उसको क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और राष्ट्र के अंतर्गत बहुत ढेर सारे जो है प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, ट्रेड व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए हमने जो है तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए हमने सफल प्रयास किया है। तो सामूहिक सुरक्षा का उपाय हमने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सफल बनाने का हमने प्रयास किया है। इसमें आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक बल प्रयोग की कार्यवाही सामूहिक सुरक्षा के नाम से प्रचलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व होगा कि वह आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध आर्थिक एवं सैनिक दंड लागू करे। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि आर्थिक सैनिक दंड लागू करेंगे और आर्थिक रूप से जैसे कि ट्रेड व्यापार और सैन्य क्षमता घटाई जाएगी उसकी, अगर जो आक्रमण कर रहा है कार्यवाही की जाएगी, संयुक्त राष्ट्र संघ उसको उस पर सीधी कार्यवाही करेगा जो राष्ट्र आक्रमण करेगा। अगर एक प्रश्न और ये भी उठ सकता है कि जो वर्तमान समय में जो है कई देश युद्धरत हैं तो उनके खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों नहीं कार्यवाही कर रहा है, तो इसमें इसका प्रश्न का उत्तर यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मैटर को मुद्दे को ले जाया जाएगा तभी जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही करता है। और अगर कोई राष्ट्र ये सोचता है कि हम अपने हिसाब से अपने स्तर से हम निपट लेंगे, समस्याओं का सामना कर लेंगे, आक्रमणकारी को स्वयं अकेले ही मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, तो इस पे जो है संयुक्त राष्ट्र अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जो इस समय वर्तमान में हमास, इजराइल और रूस और यूक्रेन जो युद्धरत हैं, तो ये अपने स्तर से ही आक्रमणकारी पर जो है हमले कर रहे हैं, जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो है निस्तारण नहीं करना चाहते, स्वयं ही इसका निस्तारण करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हमने जो है कई कार्यवाहियां किया है पूर्व में, और सामूहिक सुरक्षा का एक जो है कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि नंबर एक कोरिया संकट 1950 से 53।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया है। तब सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सदस्य राष्ट्र इस हमले को निष्फल बनाने और उस क्षेत्र में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। तो जब कोरिया में जो है संकट उत्पन्न हुआ 1950 से 1953 तक, तो उत्तर कोरिया ने जब दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था और जो है इस मैटर को, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्यवाही करते हुए ये आदेश पारित किया था कि इस समस्या का समाधान किया जाए, हल निकाला जाए और उस क्षेत्र में शांति बहाली किया जाए, शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए और आक्रमण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो ये जो है एक सफल प्रयास था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्यवाही करके शांति स्थापित की गई थी। नंबर दो है खाड़ी संकट। 1990-91 इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया, तब सुरक्षा परिषद ने इराक को आदेश दिया कि अपनी सेनाएं तत्काल प्रभाव से वापस बुलाए और बहुराष्ट्रीय सेना का गठन करके कुवैत को स्वतंत्र कराया गया। तो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो इराक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह आदेश दिया कि अपनी आप सेना वापस बुला लें और यह आक्रमण कहीं से भी सही नहीं है और इस प्रकार का जो कार्यवाही है सरासर गलत है। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों की अवमानना किया और कुवैत ने, इराक ने अपनी सेनाएं वापस नहीं बुलाया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयं इस बात को संज्ञान लेते हुए विश्व जगत से, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास स्वयं सुरक्षा परिषद के पास अपनी सेना भी है, जो विश्व के जो जितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सदस्य देशों के यहाँ से सेनाएं एक भेजी गई हैं और वो कि सुरक्षा परिषद के पास अपनी खुद की सेनाएं हैं। अगर विश्व में इस प्रकार से अशांति फैलती है और कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ से कार्यवाही की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ असुरक्षा है, इस प्रकार से आक्रमण किया गया है और इस कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जब मांग करते हैं तब सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, तो सुरक्षा परिषद कार्यवाही करके सैनिक को भेज करके सैनिकों को भेजते हैं और जो है आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और शांति व्यवस्था को कायम करने में जो है सफलता हासिल करते हैं। सारांश देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को कम करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या का समाधान करने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से आक्रमणकारी पर सभी राष्ट्रों द्वारा शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक कार्यवाही पर बल देती है। तो सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को कम करने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया है, तो सामूहिक सुरक्षा एक बहुत ही कारगर सफलतापूर्ण जो है व्यवस्था है। इसको हम सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे सेनाएं भी भेजते हैं, सदस्य देशों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजी गई हैं और जब भी जरूरत पड़ती है या मांग की जाती है, कोई भी देश सदस्य देश इस बात की मांग करता है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कार्यवाही की जाए, मांग की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ पहले क्या करता है, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या वाकई कार्यवाही हुई है या गलती किसकी है, या आक्रमण जिसपे हुआ है उसी की गलती तो नहीं है। अगर जिसपे आक्रमण हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, बेवजह उस पर अटैक कर दिया गया है, तो अगर संज्ञान में लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, तो इस बात की जब उनको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को ये पता लग जाता है कि कोई भी देश जिस पर आक्रमण हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है और आक्रमणकारी की ही सरासर गलती है और जिस पर आक्रमण किया गया है, जिस पर आक्रमण किया गया है वो मांग करते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार से आक्रमण किया गया है और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो सदस्य देश
सब एकत्रित होते हैं, सदस्य देश सहमत बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही के लिए आदेश पारित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ आदेश पारित करने के बाद अपनी सेनाएं भेजने के बाद वहां पे अपना जो है शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करते हैं और आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं, बशर्ते ये है कि राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात ले जानी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी चीज़ों को कहनी चाहिए। और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं ही कार्यवाही नहीं करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ तभी कार्यवाही करता है जब इसकी मांग की जाए और इसकी पुष्टि भी हो जाए कि आक्रमणकारी की सरासर गलती है और बेवजह से आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है और आक्रमण जिस पर आक्रमण हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, उस पर बेवजह आक्रमण किया गया है। तो इसी को जो है सफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तत्पर है और सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एकदम तत्पर है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको जो है सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।